शहरोज को तदफ की कौन सी बात जो है वो अट्रैक्ट की? मुझे इसकी बहुत सारी बातें थी जो अट्रैक्ट की. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन माई लाइफ एंड मीटिंग समवन लाइक सदफ. इतनी प्योर लड़की है. मैं इसलिए नहीं कह रहा ना हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निदा, ना कोई जरूरत है, ना मेरी आपकी इस बारे में कितनी बार बात हुई है, बिकॉज आप फैमिली हैं. एग्जैक्टली. हमने कभी नहीं सोचा कि किसी शो में आके अपने आप को इंसान वो करे. पर एक जनरल वे में इंसान बता रहा है कि इतनी प्योर लड़की है कि यू कांट हेल्प गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर. यू हैव टू, यू आप हो जाते हो. एंड देन क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मैंने करनी थी शादी, मेरी नीयत साफ थी क्योंकि मैं जिस फेज से गुजर रहा था उस फेज के बाद मैंने बैचलर नहीं रहना था क्योंकि मैं वैसे रिलीजियस आदमी हूँ बहुत. तो बीइंग रिलीजियस, हमारे रिलीजन इजाजत नहीं देता बहुत सारी चीज़ों की जिनसे मैं कोशिश करता हूँ. इंसान बहुत आजिज है, मैं कोशिश करता हूँ मैं दूर रहूँ. तो उन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त नहीं है हमें, और शादी कर लें तो खूबसूरत हो जाती है. तो वही इंटेंशन थी. इसको बताई, मैंने कहा कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, ये होगा, बताओ. इसने कहा ये नॉर्वे में ही बताई या यहाँ आके? नहीं, आके आके आके, मतलब लाइक नॉर्वे में तो हम वी वर फ्रेंड्स. हाँ, वी वर फ्रेंड्स, बट हम क्लिक हो गया था. हाँ, बहुत ऑब्वियसली देखिए एक स्पार्क होता है. अच्छा, बीवी के लिए ना एक कोई एक अलग ही चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है तुम्हें. सदफ में वो बीवी मटीरियल, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी. अब सदफ कवल उस वक्त भी नॉर्वे में लोगों के लिए सदफ कवल थी, दिस सुपर मॉडल जो हमेशा ग्लैम में रहती है. हाँ, ये वो. बट मैंने पता नहीं, देखिए अल्लाह पाक करता है, जब ऊपर रिश्ता बना होता है. हाँ, निदा. हाँ, तो वो नीचे फिर बताया जाता है दिलों में आके कि ये है तुम्हारी. एग्जैक्टली. तो वो आई थिंक मुझे पता चला, मेरे दिल में आया अल्लाह पाक के रहम से. एंड मैंने कभी उससे हटके इसको देखा ही नहीं. आप इससे पूछ सकती हैं कि कभी मेरी कोई गलत बात मैंने इससे की हो, कभी कोई टेढ़ी बात की हो. सारा इसको ए टू जी बता के कि ये मेरी सिचुएशन है, इस चीज से मैं गुजर रहा हूँ और मैं बैचलर रहना नहीं पसंद करूंगा. मैं एक वर्किंग मैन हूँ,